Hey everyone, this is Balwant Rawat, a life skill trainer and a motivational speaker. First of all, welcome all of you again in your life skill development channel, Synonym Solution. आज की मेरी वीडियो जवाब है उन सारे सवालों का जो हर एक इंसान अपनी लाइफ में अपने आप से पूछता है और वो सवाल होता है How to become rich? How to become successful? कैसे हम अपनी लाइफ में अमीर और सक्सेसफुल हो सकते हैं? अगर आपका भी यही सवाल है तो ये वीडियो आपके लिए है, इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। पर इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले मेरा पहला क्वेश्चन आप लोगों से है, अगर आपको अपनी लाइफ में एक अच्छा सक्सेसफुल क्रिकेटर बनना है तो आप किसको फॉलो करेंगे, किसकी हैबिट को अपनाएंगे, किसकी क्वालिटीज को अपने अंदर लाना चाहेंगे? आई थिंक आपका आंसर होगा एक सक्सेसफुल क्रिकेटर, राइट? उसी तरीके से अगर एक आपको सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है तो आप किसकी हैबिट, किसकी क्वालिटीज को अपने अंदर लाना चाहेंगे? आई होप सो इसका आंसर भी होगा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की। हमें जो इंसान बनना होता है, हमें जो चीज करनी होती है, हम उन हैबिट, उन क्वालिटीज को, उस पर्सन की क्वालिटीज को अपने अंदर लेके आते हैं। सो अगर हमें रिच और सक्सेसफुल बनना है तो हमें किन की क्वालिटीज को अपने अंदर लाना पड़ेगा? ऑब्वियस आंसर, एक रिच और सक्सेसफुल पर्सन की क्वालिटीज को हमें अपने अंदर लाना पड़ेगा। सो मैं आज अपनी इस वीडियो में पांच वर्ल्ड की ऐसी सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज के बारे में शेयर करने जा रहा हूँ जिन्होंने एक बहुत ही छोटे लेवल से स्टार्ट करके आज दुनिया के सबसे रिचेस्ट एंड सक्सेसफुल लोग बन चुके हैं। एंड बेस्ट पार्ट ऑफ दिस फाइव पर्सनैलिटीज, इनमें से एक पर्सनैलिटी इंडिया की भी है। सो इन पांच सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज की हैबिट और क्वालिटीज को जानने के लिए इस वीडियो को कंप्लीट देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं पहली पर्सनैलिटी जिसके बारे में आप लोगों से शेयर करूंगा वो दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन और ई कॉमर्स के बादशाह के नाम से जाने जाते हैं। बेशक आप उनको उनके नाम से नहीं जानते होंगे बट आप उनको जानते हो, द फाउंडर ऑफ एमेजॉन, मिस्टर जेफ बेजोस। एक ऐसा इंसान जिसने एक गैराज में बैठ के बुक सेल करना स्टार्ट किया था इंटरनेट पे और आज उनके प्लेटफॉर्म एमेजॉन पे दुनिया की हर चीज अवेलेबल है। उनकी ऐसी क्या क्वालिटी, उनकी कौन सी ऐसी हैबिट है जिसने उनको इस लेवल में पहुंचाया? वैसे तो इनके पास बहुत ऐसी क्वालिटीज है जो हम लोगों को फॉलो करनी चाहिए, लेकिन एक क्वालिटी जो आप लोगों को इनकी अपनानी चाहिए अपनी लाइफ में वो है इनका ब्रॉड विजन। विजन आगे की देखना, आगे की सोचना। ये एक ऐसे इंसान है, इन्होंने उस टाइम पे ये चीज पहचान ली थी कि आगे आके इंटरनेट का बूम आने वाला है। इंटरनेट का बूम का मतलब इंटरनेट की दुनिया आने वाली है, हर एक इंसान के हाथ पे इंटरनेट आने वाला है। उस टाइम पे इन्होंने स्थापना करी अमेज़न की। इनके इस विजन की वजह से आज अमेज़न इस लेवल पे है। आज भी इनका विजन इनके साथ इनके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है क्योंकि इनके विजन ने इनको बताया कि आगे जाके बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनीज आने वाली है जो अमेज़न के लिए खतरा बन सकती है। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक नया चीज क्रिएट कर दी अमेज़न प्राइम, जिसमें ये अपने कस्टमर को अपने साथ एक साल के लिए रख लेते हैं, जिसमें वो उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, उनको एक साल के लिए अपने साथ जोड़ लेते हैं। अब जितनी मर्जी बड़ी कंपनी आ जाए वो इनको छोड़ के नहीं जाएंगे। फिर आगे इन्होंने देखा कि सारे जो बैंकिंग है वो ऑनलाइन हो गई है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म आ गए हैं जहाँ पर ऑनलाइन बैंकिंग हो सकती है। तो इन्होंने शुरू कर दिया अमेज़न पे, जहाँ पर लोग अपने बैंक टू बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अमेज़न। और यही चीज है जिसने इनको वर्ल्ड का रिचेस्ट इंसान बना दिया। तो इनकी इस क्वालिटी को, इनकी इस हैबिट को आप लोग भी अपनाइए ताकि आप भी इस दुनिया में एक नया रेवोल्यूशन ला पाए, क्योंकि इस दुनिया में बड़ा करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बड़ा सोचना मुश्किल है। जिसने बड़ा सोच लिया उसने बड़ा कर लिया। सो लेट्स मूव ऑन अवर सेकंड पर्सनैलिटी। सो सेकंड पर्सनैलिटी जिनके क्वालिटीज को मैं शेयर करने जा रहा हूँ उनको जाना जाता है कॉलेज ड्रॉप आउट के नाम से। लेकिन उससे भी ज़्यादा वो फेमस हुए थे इस चीज़ से कि जिस कॉलेज से वो ड्रॉप आउट थे उसी कॉलेज के टॉपर्स को उन्होंने अपने पास नौकरी पर रख लिया। यस, मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर बिल गेट्स की, सेकेंड रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। इनकी एक क्वालिटी, इनकी एक हैबिट जिन्होंने इनको इस लेवल तक पहुंचा दिया कि आज दुनिया के हर एक कंप्यूटर, हर एक मोबाइल में माइक्रोसॉफ्ट मौजूद है। सो बिल गेट्स की ये क्वालिटी है द क्वालिटी ऑफ रीडिंग, द क्वालिटी ऑफ लर्निंग। ये कभी भी अपनी लर्निंग को नहीं रोकते हैं। एट दिस एज जब ये दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में गिने जाते हैं, इस टाइम भी वो दिन के 500 पेज रीड करते हैं। यानी इन्होंने अपनी लर्निंग को कभी रोका नहीं। और ये इससे भी ज़्यादा इनकी बात बहुत फेमस है कि ये सुना है कि अपने कॉलेज टाइम में ये रात में सोते थे तो जूते पहन के सोते थे, क्योंकि इनको लगता था मैं सुबह जूते पहनने में क्यों टाइम वेस्ट करूँगा, इतने में मैं कुछ रीड कर लूँगा, इतने में कुछ नई चीज़ सीख लूँगा।
सो इस क्वालिटीज को हमें अपने अंदर अडेप्ट करना चाहिए ताकि हम भी इस तरह की कुछ चीज कर पाए, क्योंकि जितना हम लोग सीखेंगे उतना हम लोग करेंगे। जिस दिन अपने हमने लर्निंग रोक दी, समझिए हमने अपनी ग्रोथ रोक दी। सो द सेकेंड हैबिट दैट वी वॉन्ट टू गेट फ्रॉम बिल गेट्स इज द हैबिट ऑफ लर्निंग। सो लेट्स मूव ऑन थर्ड पर्सनैलिटी। थर्ड पर्सनैलिटी के बारे में जितना कहूँ उतना कम है। एक ऐसे जुनूनी पर्सन है, एक ऐसा जुनूनी इंसान है जो दुनिया में वो करके दिखाता है जो दुनिया सोचती भी नहीं है। इन्होंने अर्थ से लेकर चांद पे जाने वाली रॉकेट को एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट बना दिया। इनके इन्वेंशन से पहले क्या होता था, अगर एक बार कोई रॉकेट चांद से होकर आए तो दोबारा कभी यूज नहीं होता। इन्होंने रॉकेट ऐसा बनाया जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरह यूज होता है, जाएगा चांद पे, वापस आएगा, लोग चेंज होकर फिर जाएगा, फिर आएगा। और इनके इसी इन्वेंशन ने इनको दुनिया का सबसे जुनूनी इंसान बना दिया, क्योंकि इस इन्वेंशन को करते हुए ये बिल्कुल लुट चुके थे। दो बार इनका ये इन्वेंशन फेल हुआ। एक ऐसा टाइम था जब इन पर कुछ भी नहीं था, लेकिन इन्होंने फिर भी कहा मैं ये रॉकेट बनाऊंगा। और इनके इसी जुनूनीपन ने इनके इस इन्वेंशन को सक्सेसफुल बना दिया, जिससे दुनिया के सबसे अमीर और सक्सेसफुल इंसानों में गिने जाने लगे हैं। इनका एक और इन्वेंशन है जिन्होंने इनको बहुत फेमस बनाया है। जिस टाइम पे लोग कारों की बात करते हैं, उस टाइम पे इन्होंने एक ऐसी कार बना दी जिसमें ड्राइवर की जरूरत ही नहीं है। एक ऐसी कार जो बिना ड्राइवर के रोड पर दौड़ेगी, ये है इन्वेंशन मिस्टर एलन मस्क की। एक ऐसे जुनूनी इंसान, इनका जो हैबिट है, इनकी जो हैबिट है, इनकी जो क्वालिटी है जो हम लोगों को अब यूज करनी चाहिए, वो है बी ऑब्सेस्ड। ऑब्सेस्ड जुनूनी, एक ऐसा इंसान जो अपने काम को लेकर इतना जुनूनी है कि अगर उसने ठान लिया होगा तो ये होगा, नो अदर ऑप्शन। सो इनके अगर आपको कोई क्वालिटी, कोई हैबिट अपने अंदर इन्वॉल्व करनी है, अडेप्ट करनी है, तो वो है बी ऑब्सेस्ड। जो भी काम करो इतने जुनून के साथ करो कि नो अदर ऑप्शन यू हैव, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। सो लेट्स मूव ऑन टू फोर्थ पर्सनैलिटी। फोर्थ पर्सनैलिटी को मिस्टर परफेक्ट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये जो भी काम करते हैं इनका एक रोल है बी द बेस्ट। इनको अपने आप में बेस्ट होना है, इनको फर्क नहीं पड़ता है ये लोग क्या कर रहे हैं या जो भी ये कर रहे हैं वो कितना महंगा है कितना सस्ता है। इनको सिर्फ एक चीज पता है, बी द बेस्ट। इन पर्सन का नाम है स्टीव जॉब्स, यस द फाउंडर ऑफ एप्पल, आईफोन। हम सब ने इनका नाम सुना है। अगर हम लोगों को मौका मिले एक अच्छा फोन खरीदने का, तो हम सब में से 100 में से 100 लोगों का आंसर होगा आई वॉन्ट आईफोन। ये है इनकी ब्रांड क्वालिटी। इन्होंने लोगों को सिखाया हाउ टू क्रिएट ब्रांड। जब ये अपना फोन इन्वेंट कर रहे थे, तो इनके इंजीनियर ने बोला कि इतनी सारी चीजें नहीं डालते, इससे हमारा फोन बहुत महंगा हो जाएगा। इन्होंने अपने इंजीनियर्स को क्या कहा, महंगे की फर्क नहीं है, बेस्ट बनाना है। बेस्ट बनाओगे, बेस्ट चीज दोगे, जितना मर्जी महंगा हो सेल हो जाएगा। सो उनके इसी चीज ने आज आईफोन को इस ब्रांड पे खड़ा कर दिया है कि आज हर एक रिच पर्सन के हाथ में आईफोन है, हर एक इंसान अपनी लाइफ में आईफोन यूज करना चाहता है। सो इनकी जो हैबिट जो हम लोगों को अपनी लाइफ में अडेप्ट करनी चाहिए, वो है बी द बेस्ट। जो काम करना है बेस्ट करना है, एवरेज में नहीं रुकना है। जितना चीज लेनी है वो चीज पूरी बेस्ट लेनी है, जो देनी है वो बिल्कुल बेस्ट देनी है, एवरेज कुछ भी नहीं। इनकी इस क्वालिटी को अडेप्ट करिए ताकि यू ऑल्सो क्रिएट योर ऑन ब्रांड। सो लेट्स मूव ऑन टू फिफ्थ पर्सनैलिटी, वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड पर्सनैलिटी, इसका आप सब बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं। वो ऐसी पर्सनैलिटी, वो ऐसी इंडियन पर्सनैलिटी जिसको मैंने इन 5 सक्सेसफुल पर्सनैलिटी और रिचेस्ट पर्सनैलिटी की लिस्ट में ऐड किया है। इन पर्सन की नेम बताने से पहले मैं इन पर्सन की क्वालिटी शेयर करना चाहता हूँ। इन पर्सन ने क्या, जिस टाइम पर हमसे पूछा जाता था कि हमें स्कूल में क्या बनना है, हमारे मुंह पे 3-4 चीजें रहती थी, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए। उस टाइम पे इन्होंने बोला मेरे को बनना है एंटरप्रेन्योर। इस वर्ड का इन्हें मतलब भी नहीं पता था, लेकिन उस टाइम पे इन्होंने कमिट कर दिया कि मेरे को बनना है एंटरप्रेन्योर। लेकिन उस टाइम इन्होंने इतना बड़ा कमिट कर दिया, इसलिए ये आज एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं, बिकॉज ही कमिट बिग। उन्होंने अपने आप से ही इतना बड़ा कमिट करा, लोगों के सामने इतना बड़ा कमिट करा कि एट द एंड उनको ये चीजें आकर पूरी करनी पड़ी। यस, मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर रितेश अग्रवाल, द फाउंडर ऑफ ओयो रूम्स, दुनिया की सबसे बड़ी होटल चेन इंडस्ट्री के फाउंडर मिस्टर रितेश अग्रवाल। एक बेस्ट चीज जो मेरे को इनके बारे में लगते हैं, अपना खुद का एक होटल नहीं और दुनिया की सबसे बड़ी होटल चेन इंडस्ट्री बना डाली। ये जो हैबिट है मिस्टर रितेश अग्रवाल की, जो मैं चाहता हूँ हम सबको अपने अंदर अडेप्ट करनी चाहिए, वो हैबिट है कमिट बिग। अपने आप से बड़ा कमिट करो, क्योंकि हम जब बड़ा कमिट करेंगे तभी हम बड़ा कर पाएंगे।
सो गाइज दिस इज द फाइव हैबिट ऑफ फाइव सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग और मैं खुद इन हैबिट को ट्राई करता हूँ कि अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करूँ ताकि मैं भी इनकी तरह एक टॉप पर्सनैलिटीज में इन्वॉल्व हो पाऊँ और मैं आप लोगों के साथ भी इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी दुनिया की टॉप पर्सनैलिटीज में शुमार हो पाओ. So guys, if you like this video, share with your each and every friend ताकि ये जो knowledge है, ये जो habits है, ये दुनिया के हर एक कोने तक पहुंच सके और हर एक इंसान को इस habit के बारे में पता लगे ताकि हमारे इंडिया के अभी एक personality इसमें involved हुई है, आने वाले time में पांच की पांच personality इंडिया की हो. Thank you so much to always be connected with Synonym Solutions. Thank you so much.